2021 में जो भी प्रश्न आएगा दूसरे चैप्टर से, वो इन प्रश्नों से बाहर नहीं आएगा। इन प्रश्नों को जाकर ढंग से याद कर लो, तैयार कर लो। अब मुझे नहीं पता कैसे करोगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो आपको ये समझ लीजिए रामबाण औषधि है, यानी 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसका लेसन 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर से जो भी बोर्ड में यानी कि 2021 में जो भी प्रश्न आएगा वो सारे के सारे मैं इसमें दे रहा हूँ। प्रश्न के साथ में उत्तर भी दे रहा हूँ, बाकी मैंने आपको नोट्स तो प्रोवाइड कराई दिए हैं। ये सारे कुछ आपको यानी कि फ्री दे रहा हूँ आपको, पूरे के पूरे 12th क्लास फिजिक्स लेसन 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जितने भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न हैं जो कि आपके स्पेशली 2021 को टारगेट करके जो बनाए गए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, चाहे आप किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, बस आपका क्या हिंदी बोर्ड होना चाहिए, आपके पास में फिजिक्स होनी चाहिए बस, तो उसमें आपका इस दूसरे चैप्टर से जो भी प्रश्न आएगा वो इन्हीं प्रश्नों में से आएगा, अदरवाइज इनसे एक प्रश्न भी आपका बाहर नहीं आ सकता है। सो प्लीज़ जाकर वीडियो को पूरा अंत तक देखो कैसे मिलेंगे ये क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करना और डाउनलोड करने के बाद इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगला वाला जो टेस्ट आने वाला है, टेस्ट आएगा वो इन्हीं क्वेश्चनों पर से आएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको मैं दे रहा हूँ। अगला वाला टेस्ट सीरीज जो 37 आएगी वो फिजिक्स के लेसन 2 की थ्योरी की रहेगी, तो इसलिए इन थ्योरी को ढंग से कर लो, क्योंकि आपकी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स ही आपको 100 में से 100 दिलाएंगे। यदि क्योंकि भाई 100 में 100 का मतलब ये है कि आपका प्रैक्टिकल है 30 नंबर के, बाकी 70 नंबर का पेपर है, तो 70 में से 70 पाने के लिए आपको 70 में से 70 पाने के लिए ये चैप्टर के क्वेश्चन, ये इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। आपको ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन से यहाँ से उठाओ और आंसर्स आपको यहाँ से अच्छे लगे तो यहाँ से पढ़ लीजिए, नहीं तो मेरी थ्योरी में से पढ़ लेना, यानी कि जो मैंने आपको थ्योरी प्रोवाइड करा रखी है। कुछ बच्चों की शिकायत है कि उसमें जो थ्योरी है थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है, तो इसके दूसरे चैप्टर के नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, वो मैं जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ठीक है, बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल आपको इन क्वेश्चंस के जितने भी आंसर्स हैं उनको पढ़ो, ढंग से करो, बाकी इस चैप्टर की पूरी थ्योरी आपको जो करनी है और डेरिवेशन करने हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो सारे के सारे यूट्यूब पर पहले से ही अपलोडेड हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हो। एक एक करके वीडियो को देखो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर से चिक चिक के बता दे रहा हूँ, जो भी बोर्ड 2021 में जो भी प्रश्न आएगा वो इनसे बाहर नहीं आएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यूपी बोर्ड 2021 में जो भी प्रश्न आएगा दूसरे चैप्टर से, वो इन प्रश्नों से बाहर नहीं आएगा। इन प्रश्नों को जाकर ढंग से याद कर लो, तैयार कर लो। अब मुझे नहीं पता कैसे करोगे। आप दूध में घोर के पियो, चाय में घोर के पियो, पानी में घोर के पियो, कैसे करना है मुझे नहीं पता। आपके माइंड में ये चीज़ सेट रहनी चाहिए, माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए कि ये जो जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। आई होप कि आप मेरे द्वारा जानकारी दी गई जानकारी को अच्छे से समझ पाए होंगे। समझ पा रहे हो, अच्छी बात है। नहीं समझ पा रहे तो समझने का प्रयास करो कि आपका बोर्ड का प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा, याद कर लो। देखो नीट जैसे एग्जाम में, आईआईटी जैसे एग्जाम में बच्चे फूल में से फूल फोड़ रहे हैं, तो आप तो बोर्ड में आपको प्रश्न भी दिए जा रहे हैं, तो भाई करो, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना है कि वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपको मैं इसी तरीके से आपको अब माइंड मैपिंग भी आपको देने वाला हूँ। माइंड मैप्स आप जानते हो, नहीं जानते होंगे, आपको मैं जल्दी ही एक माइंड मैप आपको दूंगा मैं, तो उससे आप अंदाजा लगाओगे, एकदम बिल्कुल सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। माइंड मैप मतलब 3D में आपको चित्र बने हुए समझ में आएंगे कि ये चित्र ऐसे होता है, ये चित्र ऐसे होता है, ठीक है। माइंड मैप भी आपको देने वाला हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छे माइंड मैप आपके लिए निकालने वाला हूँ। तो फिलहाल आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स करो, तो ऐसी ऐसी चीज़ दूंगा मैं आपको जो यूट्यूब पर कोई नहीं प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो बस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।